नासिन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले बात यहां तक पहुंची थी कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब मेरे साथ फोन लाइन पे थे। ये वही फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब हैं जिनका नाम इनिशियल कमीशन में लिया गया था, आज तक उन्हें किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। वो दो बातें कह रहे थे। एक बात तो ये कि कोई भी कमीशन जब तक उसमें एमिनेंट सिटीजन जो हैं सिविल सोसाइटी में से वो उसके अंदर नहीं होंगे, उसे एक क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं हो सकेगी। दूसरी बात तो ये कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ही काम करना है, जब तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कॉपरेशन जो है इंतजामिया की वो नहीं होगी, कोई काम भी नहीं हो सकेगा। इसी पॉइंट से हम डिस्कशन का दोबारा आगाज करते हैं। साहब देखिए, आपने दोनों जी वो उसमें एहसन साहब इसमें कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपने तो बात सुनी कि जब तक एमिनेंट सिटीजन इसमें ओवरसीइंग कैपेसिटी में नहीं होंगे, कोई क्लैरिटी नहीं आई आपकी तरफ से, अभी भी अभाम है। यानी आज सारा दिन मीटिंग होती रही, नाम देने कौन से बात मुश्किल। बिल्कुल क्लियर है, मैं थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में मैं जरूर कुछ कहूंगा। एक तो ये कह देना मुनासिब नहीं है, इसी हुकूमत ने, इन्हीं एजेंसियों ने, एनडीएमए ने और दूसरी ने आपके सामने तीन ऑपरेशन किए। एक वार ऑन टेरर पे जो एड आई है बाहर से, उस पर आज तक इतनी ट्रांसपेरेंसी रही है, किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। आईडीबीज के हवाले से आपने देखा होगा, एक इतना बड़ा ऑपरेशन था और इतनी बड़ी रकम उसमें इन्वॉल्व थी, वो इंप्लीमेंट हुआ और उस पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई। 2009 का। तीसरा एक प्रोग्राम इस गवर्नमेंट ने शुरू किया, बीआईएसपी का, बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया और आज भी डोनेट कर रहे हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ इंटरनली और एक्सटर्नली, बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट, मेरी सुन ले, ये मुतहदा ने जब दो दिन मेरे भाई मेरी सुने कहा ना, ये मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो जब भी आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात करते हैं उस वक्त आप अर्थक्वेक की बात करते हैं, किसी और साने की बात करते हैं, इंटरनेशनल जो भी पहले बाकी मुल्कों में हेटी वगैरह की बात करते हैं। मैं प्लीज जरा एक मसला ये है, एक प्रपोजल आई कि पाकिस्तान के बारे में ट्रस्ट डेफिसिट, ये मैंने तीन आपके सामने अर्ज की रखी है, तीन प्रपोजल बल्कि ऑपरेशन रखे इस पर, अगर किसी को कोई इतराज है तो मैं वो सुनने को तैयार हूँ। इशू ये है कि इसमें एक फर्क है फ्लड अपना रिलीफ ऑपरेशन में और अर्थक्वेक में, वो एक सडन ऐसा इंसिडेंट होता है, 70,000 अगर जान जाती है तो उसका एक मैसेज और होता है, ये एक ग्रेजुअल किस्म का एक मैसेज आता है, इसकी अपना जो मोबिलाइजेशन है वो भी ऐसा ऐसा होती है। लेकिन इसको ट्रस्ट डेफिसिट कहा गया, लेकिन मियां साहब ने एक प्रपोजल दी कि इसमें हमें क्रेडिबल लोगों को लाएं, जिनकी मतलब जैसे फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने भी ठीक बात, उस पर अब भी कोई इतराज नहीं है। ये जो काउंसिल बनेगी, ये जो काउंसिल बनेगी, आज यही कहा गया है कि इस काउंसिल में आप चारों सूबों से दो दो नाम दे दें जो सिविल सोसाइटी से हों, क्रेडिबल हूं और उनके नाम के साथ। ये तो क्लियर है कि सिविल सोसाइटी से होंगे, नहीं मकसद क्रेडिबल, आपने सुना ना फखरुद्दीन जी इब्राहिम कह रहे हैं कि अभी तो नाम शायद नॉन पॉलिटिकल लोग सिविल सोसाइटी से भी हो सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है सिविल सोसाइटी का नाम लेने से, वही लोग है ना जो जिनकी क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिक्स में इनक्रेडिबल लोग। आपने कहा ना कि मुझे कोई एविडेंस दे दे, देखें जब वो गोंदल साहब कहते हैं कोई ट्रस्ट डेफिसिट है ही, ये तीन मैंने कहा ऑपरेशन हुए इसमें किसी ने लेकर क्यों नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था और ये सब लोग जो बाकी कह रहे हैं, तो फिर आप लोग की प्रपोजल क्यों लेकर। इसके दो पहलू हैं, एक तो ये है कि ये चैलेंज बहुत मॉन्यूमेंटल है, ये और इस चैलेंज की जो नौयत है इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट की जरूरत है, और जिसे कहते हैं सिनर्जी, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर आप अपने रिसोर्सेज को पूल करके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उससे आउटपुट लेते हैं, 2+2 = 6 कैसे कर सकते हैं, तो एक तो उसकी जरूरत थी कि हम यकजहती को पूरा लेकर आते। दूसरा जैसे आपने कहा कि यूएन जैसे इदारे अगर कह रहे हैं तो उसमें हमारा कहना तो बेकार है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखें हमारी जो सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, हम समझते हैं कि जिस बड़े स्केल के ऊपर तबाही हुई है एक घंटा भी जाया नहीं होना चाहिए। अब ये सारी चीजें करना एक दिन का काम है कि ये सब चीजें फोन है, ईमेलें हैं, मोबाइल फोन है, सबसे रابطे करके हम एक चीज को, बॉडी को 24 घंटे में बना सकते हैं। अभी चूंकि इसकी इब्तदाई जो चीज आई है उसके हवाले से मैंने कुछ आपको अपने तहफुजात बताए हैं, लेकिन इस चीज ने अगर जैसे गोंदल साहब अगर कह रहे हैं तो वी विल स्टिल यू नो एक्सेप्ट कि इनकी इंटेंशन अच्छी होंगी। दो चीजों से डिफाइन होगा कि इस बॉडी का क्या रोल होगा। पहली कॉम्पोजिशन, क्या इसके अंदर जो नाम आते हैं वो ऐसे हैं कि वो कौम के एतमाद को और कौम के अंदर एक तहरीक पैदा करने या एक उस कॉन्फिडेंस को मजीद मजबूत करने का जरिया बनते हैं, और दूसरे इस बॉडी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि इसको जो मैंडेट दिया जाता है वो क्या है। क्या ये एक सिर्फ पेपर कमेटी या टेबल कमेटी बनेगी कि जो एक ऑडिटर जनरल के सामने जिस तरह वाउचर्स पेश हो जाते हैं कि जनाब इतना पैसा आया था हमने ये कर दिया, या इनके पास कोई ऐसी हकीकी मानों में इख्तियारात होंगे कि ये मौसर तरीके से निगरानी कर सकें इस सारे अमल की।
तो जब ये दोनों चीजें सामने आएंगी, ये तो बड़े आपके बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं कि कौन से नाम सामने आते हैं और रूल्स ऑफ बिजनेस इस कमेटी या कमीशन या काउंसिल के क्या होते हैं। कुछ लोग ऐसे ये कहते हैं कि पंजाब के हद तक आप लोगों ने ऐसा कोई कमीशन नहीं बनाया, वहां आपको कोई शक नहीं था कि इंतजामिया में कोई फेलियर भी हो सकता है, लेकिन फेडरल लेवल पर आप लोगों को शक नहीं। हम तो इस सारी चीज को हर सतह के ऊपर चाहते हैं कि इसको किया जाए, और इसीलिए हमने कोई चीज पहले नहीं की कि ये ना कहें कि जी ये हम पे इम्पोज करना चाह रहे हैं, और हम तो चाहते थे कि इसको एक कौमी जज्बे के साथ किया जाए। और बाकी हमने तो हर जगह खुद नाम दिए इन सिविल सोसाइटी के लोगों को कि आप इनको शामिल करें ताकि एक कौमी यकजहती का एहसास हो सके। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी इनकी जो गोंदल साहब की बात को अगर मान भी लिया जाए कि ट्रांसपेरेंसी इशू नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट इशू नहीं है, चलें उसको मैं मान लिया, लेकिन असल जो चैलेंज है इस वक्त वो उस यकजहती के इजहार के लिए है, वो जो मॉन्यूमेंटल चैलेंज है उसमें हम किस तरह अपनी सारी एफर्ट्स को पूल करें। इस कमीशन की जो बुनियादी तहरीक थी वो ये थी कि हम सब मिलकर एक यकजहती के साथ इस बला का मुकाबला करें, इस तूफान का रुख मोड़ें, तब शायद हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। मलिक, आपने ये आर्गुमेंट सुना है कि लोग कह रहे हैं कि पीएमएलए ने पंजाब में किसी कमीशन की बात की लेकिन फेडरल लेवल पे शक है, ये सुना आपने कि नहीं? मैं बिल्कुल सुना, दो बातें। पहली बात है कि ट्रस्ट डेफिसिट डेफिनेटली है, और ट्रस्ट डेफिसिट फेडरल लेवल पे भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी है, और लोगों का ये ट्रस्ट डेफिसिट आज नहीं बना, कल नहीं बना। 3 साल की मिस गवर्नेंस देखी है उन्होंने दोनों सतह पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सतह पे भी और फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे भी। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट करते हैं, जाहिर है दोनों नहीं मानेंगे, लेकिन दोनों की मिस गवर्नेंस है। किसी ने इंडिकेटर छोटा दे देता हूं, इतनी क्या बात है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अगर दो सर्वे 2 सालों से आ रहे हैं कि पंजाब में करप्शन, बात ये नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से सबसे बेहतर सर्वे हम खुद करते हैं, बिकॉज वी आर द विक्टिम्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले तो बैठ के एक सर्वे करके चले जाते हैं, हम तो डेली बेसिस पर पंजाब में करप्शन के बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं देखे। पंजाब का भी आप देख लें, 2006 के अंदर जो इनकी डेफिसिट ये थी, सब्सिडाइज फंडिंग वगैरह थी, वो थी 760 मिलियन, 76 करोड़ रुपया। 2 साल के अंदर वो 23 बिलियन हो गई है सर, क्या 23 अरब, ठीक है ना? आप फिर वो कहेंगे जी हम सस्ती रोटी एलीट को, अभी नहीं बात है, मैं 30 सेकंड मुझे सर आप मुझे सूद के साथ निकाल के देंगे, फौरी तौर पर मुझे आप 15 सेकंड दे दें, मुझे सूद के साथ जवाब दे दें। बात ये है, प्रॉब्लम क्या है, एक अंग्रेजी का जुमला होता है द डेविल लाइज इन डिटेल, डिटेल्स में कोई नहीं जा रहा। मियां साहब भी आए, उन्होंने हाई फ्लाइंग आइडिया दे दिया। अगर ये बात कह रहे हैं कि जी आज का मॉडर्न दौर है, ये SMS चल रहे हैं, ईमेल चल रही हैं, व्हाट स्टॉप देम और स्टॉप्स देम टू गिव अ स्पेसिफिक प्रपोजल टुडे? आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इसी के ऊपर कि क्या रूल्स ऑफ, अगर मैं प्रपोज करता हूं कि कमीशन होना चाहिए तो क्यों नहीं मैंने उसे रूल्स ऑफ बिजनेस प्रपोज किया? लेकिन वो कह रहा है, मेरे सुन ले, दोनों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उन्होंने एक बयान दे दिया, बेजा हो गई हर तरफ, ठीक है ना, और काउंटडाउन शुरू कर दिया, 2 दिन हो गए हैं, मुझे जवाब नहीं दिया। अब इन्होंने बात की कि हम बड़े क्लियर हैं। कल मियां साहब का, मुझे इस वक्त जरा ध्यान से बात करनी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इनकी साइड ले रहा हूं, इनको मैं खिलाफ करूं, लेकिन मैं दोनों के नहीं, लेकिन मैं वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर के फैक्ट्स आने चाहिए इस चीज के ऊपर। आज मियां साहब का बयान आ गया कि जी कर्जे माफ होने चाहिए, इंटरनेशनल लोन्स। मैंने सागदार साहब को अपने प्रोग्राम में लिया, बड़ी डिटेल में इसी सब्जेक्ट पे प्रोग्राम किया, और उन्होंने कैटेगोरिकली किया कि हमें इंटरनेशनल कर्जों को बिल्कुल नहीं छेड़ने की जरूरत नहीं, हमें छेड़ना चाहिए, उसके बहुत नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। मुझे तो ये बता दें कि इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हु इज द स्पोक्स पर्सन? बहुत से नुकते आपने छेड़ दिए। इसी पॉइंट से डिस्कशन उठाते हैं जहां पे मालिक ने बहुत से सवाल मालिक साहब ने उठा दिए। एहसन इकबाल साहब रिस्पॉन्ड करेंगे एक ब्रेक के बाद।